यूजली हमारे पेरेंट्स और घर के बड़े जब हमें करियर के लिए गाइड करते हैं तो कभी हेयर ड्रेसिंग एज अ करियर एडवाइस नहीं करते, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस फील्ड में ज़्यादा स्कोप नहीं है, देयर इज नॉट मच मनी, स्टेटस एक्सेट्रा। बट इफ यू आर समबडी हु इज क्रिएटिव, तो हेयर ड्रेसिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप लाइक माइंडेड क्रिएटिव फ्रेंड्स बना सकते हो। दैट्स व्हेन वर्क बिकम्स अ लॉट मोर फन, आप ट्रैवल कर सकते हो, विच आई पर्सनली लव, एंड गेस व्हाट, ये सारी चीजें करते हुए यू विल ऑल्सो मेक मनी, बट इट्स नॉट दैट इजी एज इट साउंड्स। ये सारे पर्क्स एंजॉय करने के लिए आपको अपने आप को कंटिन्यूसली ग्रो करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क हार्ड, बट कैसे, दैट्स व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। एवरी डे आई गेट DMs, emails जहाँ पर लोग मुझसे एडवाइस मांगते हैं कि हमें हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, हाउ टू गो अबाउट इट, व्हाट आर द करेक्ट स्टेप्स। इसलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो जहाँ पर मैं आपसे मेरे हेयर स्टाइलिस्ट बनने तक की जर्नी और एक्सपीरियंस के साथ साथ इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूँ। सबसे पहले अगर एजुकेशन की बात करें तो इन माई ओपिनियन एजुकेशन और नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा, आपका कम्युनिकेशन उतना बेटर होगा, एंड उतनी ही आपकी सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होगी। फ्लुएंट इंग्लिश आने से बेटर है चीज़ों की नॉलेज होना, भले ही वो किसी भी लैंग्वेज में हो। नॉलेज उस फील्ड की जिसके बारे में आप सीखना चाहते हो, मार्केट की, आपके टारगेट ऑडियंस की, एंड इन टुडेज टाइम वी आर सो ब्लेस्ड दैट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड यूट्यूब हम जो सीखना चाहते हैं, जिस चीज़ की नॉलेज लेना चाहते हैं, वो सब सीख सकते हैं एट आवर ओन डिजायर्ड टाइम। इज़न्ट दैट अमेजिंग। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो 12th करने के बाद आई डिड बैचलर्स इन मास मीडिया विच इज 3 more years। जब तक मेरा बैचलर्स खत्म हो रहा था तब तक आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वांटेड टू डू इन लाइफ, एंड आई थिंक इट्स ओके अगर आप थोड़ा लॉस्ट फील करते हो at this point of time, because this is the time to try out things, learn things, whatever you like, because trust me, when you do something you love, your growth is amazing and work never feels like work. वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। I was always this creative guy who liked to paint, singing, photography, clothes, मुझे ये सब कुछ करना था, but then it was my last year of college, a lot of pressure, a lot of responsibility, और उसी टाइम पे मेरी एक फ्रेंड हेयरड्रेसिंग में एक डिप्लोमा कोर्स करने जा रही थी from L'Oreal Academy. She asked me if I was interested. I was like, I don't know, but then eventually I enrolled for it. And those 6 months literally changed my life. I realized I love doing hair. I also realized that this field of hairdressing has a lot of career options. You can perform on stage, you can participate in competitions, win awards, fashion shows, TV, movies, celebrities, events. I can go on and on. Opportunities bahut hai. It's a very rewarding career. When you start learning in an academy or a salon, aap hairdressing ke kai aspects ke bare mein seekhte ho. Jaise ki products, chemicals, hair science, communication, client consultation, teamwork, techniques, and also very important, self-grooming. Slowly I realized that after every service, I enjoyed the styling part the most. Just like some people enjoy cutting. Kisi ko colors ke saath experiment karna acha lagta hai. Kabhi kisi ko ye bhi realize hota hai, oh shit, what am I doing? This is not for me. Hairdressing is just not for me. Which is fine, at least you tried and learned a new skill. Kam se kam aapko ye regret to nahi hua ki aapne try nahi ki. And I think anything you learn in life never goes for waste. By then, everything was amazing. I loved the course, stepped into the real world, and the real struggle started. Mujhe laga ki maine ek international academy se itna expensive course kiya hai, तो एटलीस्ट एक अच्छे सैलून में जॉब मिल जाएगा, बट इट वॉजन दैट सिंपल। कई सारे सैलून में इंटरव्यूज दिए बट नोबडी ऑफर्ड मी अ सैलरी मोर देन 5,000 to 8,000 रुपीज। फाइनली एज एन इंटर्न मैंने एक सैलून ज्वाइन किया विच वॉज कॉल्ड सैक्स, इट वॉज अ ब्रिटिश चेन ऑफ सैलून। सो अनदर रियलिटी इज जब आप एक एज अ फ्रेशर सैलून में स्टाइलिस्ट की जॉब के लिए जाते हो तो आपको एज एन इंटर्न या ट्रेनी जॉब मिलती है विद अ रिलेटिवली लो सैलरी, एंड देन उसके बाद 8 महीने से 1 साल तक अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इफ यू आर वेरी हार्ड वर्क, देन यू कैन बी प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ स्टाइलिस्ट। और इस तरह एक स्टाइलिस्ट से सीनियर स्टाइलिस्ट से टॉप स्टाइलिस्ट, टॉप स्टाइलिस्ट से क्रिएटिव डायरेक्टर। यूजुअली एक सैलून में आप ये सारी पोजीशंस पे काम कर सकते हो, क्रिएटिव डायरेक्टर बीइंग द टॉप पोजीशन, और आपकी प्रोग्रेस आपके हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है। आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम इन द सैलून आई रियलाइज दैट इट्स नॉट एज इजी एज इट वॉज इन द एकेडमी, बिकॉज एकेडमी में अगर आप कुछ मिस्टेक्स करते हो तो इट्स नॉट सच अ बिग डील बिकॉज यू आर लर्निंग, बट जब आप रियल क्लाइंट्स के साथ डील करते हो, देन यू हैव टू गिव योर क्लाइंट्स द राइट वैल्यू फॉर देयर मनी। मुझसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी, आई डिड अ लॉट ऑफ फक अप। द रियल वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर फेज ऑफ लर्निंग। विद एक्सपीरियंस यू लर्न हाउ टू करेक्ट एंड हैंडल योर मिस्टेक्स, जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली कोई भी अकेडमी आपको ट्रेन नहीं करती, कोई भी अकेडमी आपको प्रिपेयर नहीं करती। इन सच डिफिकल्ट टाइम्स आई ऑल्सो फेल्ट लाइक, इज हेयर ड्रेसिंग फॉर मी? Have I done the right thing? But then I realized it's a phase of learning from your mistakes, which will pass. I came out of it stronger and more confident. After almost 1 year, I realized that I want to learn more of the styling part and move forward in styling hair. इसी तरह से कुछ experience के बाद you can choose if you want to do something specific in hair. Some people become colorists because they love to experiment with color, they enjoy coloring. Some people like to teach, so वो educator बन जाते हैं. And with education in hair, when you're doing seminars and conferences, you get to travel a lot.
एंड देन देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ एक्साइटमेंट फॉर पीपल हु लाइक टू परफॉर्म, जो कॉम्पिटिशन्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो कलेक्शंस डिजाइन करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस एक्सेट्रा. मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली वेयर आई गॉट टू असिस्ट सम ऑफ द हेयर स्टाइलिस्ट्स ऑन शूट्स. Although it's not an easy job, but मुझे realize हुआ that I loved being on set. And eventually I joined as a full-time assistant to Mr. Kumar Iyer, who was a big name in the industry at that point of time in terms of makeup and hair. Finally, over the years of independent shoots, films, celebrities, masterclasses to working on some amazing projects, changed my life completely. और अगर आपको detail में जानना है कि how to work with celebrities, how to work on films, brand campaigns, how to create character looks, then let me know in the comments below and I would make a separate video on that. To cut the long story short, hairdressing एक amazing career है, where you can make a lot of money, have an amazing life, you can travel a lot. I feel being in this industry is not just a job, it's a lifestyle. You have to love it to do it. Just because और कोई कर रहा है तो मुझे भी करना है, I don't think that's a right way to look at it. It's a hard job, अगर आप mentally or physically prepared हो to work on yourself, always learn and grow, then no one can stop you from being successful and having an amazing career. I hope this video gave you some clarity about this profession. अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो, if you have more questions, mention in the comment below and I will try to answer all your questions. Hit the like button if you enjoyed this video, subscribe to this channel and I will see you guys next time.